नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले कोरोना अपडेट। भारत में आज कोरोना के कुल 38,164 नए मामले आए सामने, वहीं 518 लोगों की हुई मौत। शोपिया मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में से एक लश्कर का टॉप कमांडर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, राजनाथ सिंह बोले नारेबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। तीसरी लहर की आशंका, असम में बरकित पर अधिक संख्या के लोगों को जुटने पर रोक। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार ने काटा 20% बजट, निगम को कर्मचारियों को वेतन देने में होगी मुश्किल। चंडीगढ़ में 7 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया 100 बेड का अस्पताल, कोरोना लहर थमते ही जड़ दिए ताले। पंजाब में कमान मिलते ही सिद्धू ने नेहरू के साथ पिता की तस्वीर की शेयर, आला कमान को कहा शुक्रिया। पाकिस्तान ने रोका पंजाब का गंदा पानी, बनाया बांध 20 किलोमीटर तक जल प्रभाव। हरियाणा के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। हरियाणा में 26 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, सिरसा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। गुरुग्राम में गिरी 3 मंजिली इमारत, कईयों के मलबे में दबे होने की आशंका। हिमाचल के 5 जिलों में बाढ़ की गंभीर चेतावनी, पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश। मंडी में मुसीबत, चंडीगढ़ मनाली NH का संपर्क पूरी तरह से कटा। किन्नर के कत्ल का दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा, सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं, 51 नए मामले आए सामने। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।